नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। यूएसए दुनिया के हर उस देश के चुनाव को प्रभावित करता है जिस देश में चुनाव का कोई इम्पोर्टेंस होता है। वहीं पे अगर बात किया जाए कि यूएस के इलेक्शन को कौन प्रभावित करता है, तो वो है इजराइल। जैसा कि हमें पता है कि जो बाइडेन 2024 के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अब वो नॉमिनेशन अपना वापस ले लिए हैं, उनके बदले डेमोक्रेट से खड़े हो रहे हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस का एक रिसेंट स्टेटमेंट आता है जहां पे वो ये कहती हैं कि गजा में जिस तरीके से हाल हो रखा है उसके ऊपर ये कभी भी चुप नहीं रहेंगी। यानी कि जिस तरीके से एट्रोसिटीज किए जा रहे हैं इसराइल के द्वारा, उसके बारे में कह रही थी। जैसे ही ये स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है कमला हैरिस के द्वारा, वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू और इनके जो क्लोज एसोसिएट्स होते हैं वो तिलमिला जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। 24 तारीख को बेंजामिन नेतन्याहू यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे। यूएस कांग्रेस का मतलब क्या होता है? तो यूएस के पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सेनेट। सेनेट में टोटल 100 मेंबर्स है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल है 435 मेंबर्स। मिला के होते हैं 535 मेंबर्स। और जब ये 535 मेंबर्स इकट्ठे बैठते हैं तो ये हो जाता है यूएस कांग्रेस। अब यूएस कांग्रेस को किसी दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट तभी एड्रेस करते हैं जब उस देश का संबंध यूएस के साथ काफी अच्छा हो। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ जानी चाहिए कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं तो यूएसए का अनकंडीशनल सपोर्ट है इसराइल को, खास करके डिप्लोमेटिक और मिलिट्री में। इसी दौरान 535 मेंबर्स में से कुछ लगभग 70 मेंबर्स यूएस कांग्रेस में उस वक्त अवेलेबल नहीं थे जिस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे। उसमें से एक कमला हैरिस भी है। लेकिन जितने जो मेंबर्स अवेलेबल थे यूएस कांग्रेस में जब बेंजामिन नेतन्याहू एड्रेस कर रहे थे, तो वो सभी लोग थे वो बढ़ चढ़कर ताली मार रहे थे। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के हर स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जा रहा था, ये समझने के लिए काफी है कि अगर बीते 9 महीनों से अगर गजा में अटैक किया जा रहा और वहां पे मासूम लोगों को मारा जा रहा, तो जितना रिस्पॉन्सिबल इसराइल है उतना ही रिस्पॉन्सिबल यूएसए भी है। और साथ में अगर बात किया जाए तो जब जो बाइडेन अपना नॉमिनेशन को वापस नहीं लिए थे, तो उसी दौरान बहुत सारे पब्लिक डिबेट में जो बाइडेन बोलते बोलते एबसेंट हो जा रहे थे, या उनका जो बिहेवियर था वो कुछ इस तरीके से था जैसा कि लग रहा था कि वो फिजिकली फिट नहीं है। तो इन सब के कारण क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी होते हैं वो जो बाइडेन को प्रेशराइज करके उनका नॉमिनेशन को वापस ले लेते हैं, तो उनके बदले फिर आती है कमला हैरिस। और कमला हैरिस फिलहाल यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है। तो क्योंकि कमला हैरिस को कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि वो काफी एक रिस्पॉन्सिबल लेडी है और वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है यूएस के प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए तो यूएस कांग्रेस में, या इनफैक्ट पूरे यूएस में, इसराइल और यहाँ की जो ज्यूइश लॉबी है उनका कंट्रोल इतना ज्यादा है कि यूएसए मजबूर है हर वो काम करने के लिए जो इसराइल चाहता है। और जहां तक बात किया जाए यूएस इलेक्शन के बारे में, तो ऐसा देख के लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो चांसेस है जीतने का वो अधिक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सभी कोई उसी के ऊपर दाव लगाते हैं जिसके बारे में ये चांसेस होता है कि वो जीतेंगे। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए कमला हैरिस के बारे में, तो इनको भी किसी तरीके से ये दिखाना है कि ये सिर्फ चुनाव ही जीतना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं। और साथ में बीते कुछ महीनों में इसराइल के खिलाफ यूएसए में बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जब 24 तारीख को बेंजामिन नेतन्याहू यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जो इसराइल के एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे थे और साथ में प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंसिंग एक्ट करना है जहां पे ये किसी भी तरीके से ये नहीं दिखा सकती हैं कि ये कंप्लीट तरीके से इसराइल के अगेंस्ट है, और साथ में इनको ये भी दिखाना है कि ये जो पैलेस्टीन में हो रहा उससे ये काफी दुखी हैं। चाहे आप बात कर ले जो बाइडेन के बारे में, या आप बात कर ले कमला हैरिस के बारे में, या यूएस के कोई भी ऐसे लीडर्स जो फेमस हैं, बहुत कम ही ऐसे लीडर्स होंगे जो इसराइल के अगेंस्ट या जो उनका जो करंट रेजिम होता है उनके खिलाफ वो कुछ कहते हैं। तो यहां से भी हमें मालूम पड़ता है कि इसराइल एज एन कंट्री और इनके जो लॉबी है वो कितना ज्यादा मजबूत है और इनका कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है यूएस के मार्केट में। और साथ में अगर बात किया जाए तो जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलती है, तो उसके बाद एक मोमेंटम में शिफ्ट देखने को मिलता है जहां पे एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट होता है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए तो अगर आप 30 अप्रैल का आर्टिकल को देखेंगे, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को हाईली क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ये लगना शुरू हो गया है कि उनका चांसेस बनता है इस चुनाव में जीतने का, तो वैसे वैसे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रो इसराइल होना शुरू हो गए। और साथ में अगर आप बात करें तो जब नेतन्याहू यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, तो उस वक्त इनका जो
फोकस था या पूरे स्टेटमेंट में वो जितना बार हमास का जिक्र किए थे उससे बहुत कम ये नेगोशिएशन या जो हॉस्टेजेस आज भी हमास के पास है उसके बारे में बात किए थे। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू का जो अप्रोच है वो अभी भी ये चाहते हैं कि जो गजा में जो इन्वेजन है उसको कंटिन्यू रखा जाए और उसी दौरान यूएस के द्वारा अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता जाए। तो अगर बात किया जाए कि आखिर में ज्विश लॉबी का मतलब होता क्या है, तो अगर आप ज्विश के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनके पास बहुत पैसे होते हैं क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड ये कम्युनिटी होते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये है कि यूएस एक कैपिटलिस्ट देश है और जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी कैपिटलिस्ट माइंडसेट के होते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यूएस के कांग्रेस में हो गया, चाहे वहां के बिजनेसेस में हो गया, वहां पे जो ज्विश कम्युनिटी है उनका काफी अच्छा डोमिनेंस है। उसी में से वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो ग्रुप है उसका नाम है अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी भी कीमत पे जो इनका ज़ायोनिस्ट मूवमेंट है या ज्विश कम्युनिटी को जो सपोर्ट है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उसको ये प्रमोट करते हैं और हर उस देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कहले या कैंपेन रन करते हैं जो किसी भी तरीके से इसराइल के खिलाफ कुछ कहता है या उसके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ कहता है। अगर यूएसए बढ़ चढ़कर इसराइल को वेपन्स भेज रहा था तो उसके पीछे कुछ तो वजह रहे होंगे। तो एग्जैक्टली जो ये सब प्रेशर ग्रुप होते हैं जो अलग अलग बिजनेसेस में जिनका इन्वेस्टमेंट रहता है, ये लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को फंड करते हैं। और क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है इसलिए चाहे चुनाव भारत में हो या यूएस में हो, वहां के जो कहीं के भी जो लीडर्स होते हैं बस वो यही चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से चुनाव जीतें। अगर आप इसी द गार्जियन के आर्टिकल को रेफर करेंगे तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। और यूएस के सेनेट हो गया या ओवरऑल जो यूएस कांग्रेस हो गया, वहां पे ये अपने पैसे का जोर दिखा के वहां पे जो पॉलिसीज होते हैं उसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं या उसको अपने हिसाब से मोल्ड एंड फोल्ड करते हैं। तो यहां से भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसराइल एज एन कंट्री ये खुद में कितना स्ट्रांग है। और जब भी हम अगले बार ये सोचे या कहें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक अच्छा चीज होता है, तो हम सोचे दोबारा से कि अगर आप अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने देश में मंगाते हो तो कहीं ना कहीं आपके देश का जो ग्रिप है वो आपके हाथ से निकलता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है यूएस के साथ में। और आज के डेट में लगभग 40,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं गजा में और यूएस अब तक ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव है बेंजामिन नेतन्याहू के सामने। तो ये है जियोपॉलिटिक्स और ये है हिपोक्रेसी। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।